10 एकड़ जमीन उन्होंने ऐलान करता जी, चंडीगढ़ विच हरियाणा विधानसभा बन जा रही है, तुहाडी हिक ते किला गड्डा जा रहा, पंजाब दी हिक ते किला, पंजाब दे पिंड उजाड़ के बसाया सी चंडीगढ़, तो उहदे बदले सिर्फ 12 एकड़ जमीन दित्ते ने आई टी पार्क को, सिर्फ 12 एकड़ चंडीगढ़ किथे कलाग्राम किथे आई टी पार्क, 12 एकड़ दे के सारे ने। चंडीगढ़ जिहड़ा हैगा वो पंजाब दा, हुण सुत्ते ना रह जाइए, हुण इह ना सोचिए कि आम आदमी पार्टी आ, इह ना सोचिए कि इह कांग्रेस है, इह ना जदों पहलां कह चुके आ गल कि भाई चंडीगढ़ चो तुसीं हरियाणे की अपनी राजधानी वक्री बना लो उत्थे, ते उहदा पक्के किला कड्डिया गया। फिर तां इह भाजपा कर रही आ, भाजपा तुहाडे पंजाब नूं खंडित कर रही आ। चंडीगढ़ विच हरियाणा विधानसभा बनाने लई कलाग्राम दे कोल जमीन मिलेगी, विधानसभा बनेगी जी उन्हां दी 10 एकड़ थां मिलेगी, ते जिहदे बदले दे विच एक होर जिहड़ी जमीन आ उह चंडीगढ़ नूं हरियाणा देवेगा जी। 10 एकड़ जमीन उन्होंने ऐलान करता जी, चंडीगढ़ विच हरियाणा विधानसभा बन जा रही है, तुहाडी हिक ते किला गड्डा जा रहा, पंजाब दी हिक ते किला, पंजाब दे पिंड उजाड़ के बसाया सी चंडीगढ़, ते पंजाब चंडीगढ़ दा लड़ाई लड़ी जा रही है लगातार। कांग्रेस ने तो प्रताप सिंह बाजवा ने तो ऐलान करता कि जेकर विधानसभा बनाओगे तो असी तुहाडी विधानसभा के खिलाफ प्रोटेस्ट करांगे। श्रोमणी अकाली दल का भी आ जाना अच्कल चलान कोई ना कोई, वह भी इस चंडीगढ़ के खिलाफ आ। उन्होंने मनविंदर सिंह कंग कहिंदा कि बिल्कुल नहीं, असी इत्थे विधानसभा बन देंगे, ये कलाग्राम के कोल 10 एकड़ हाट है चंडीगढ़ का, वह उत्थे बनाउण जा रहे हैं विधानसभा हरियाणे की। 10 एकड़ का हो चुक्या, कुछ कु रह गए ने, कुछ कागज पत्तर रहिंदे ने, ते उह विधानसभा बनन जा रही है हरियाणे की चंडीगढ़ के विच आ गया, तो उहदे बदले सिर्फ 12 एकड़ जमीन दित्ते ने आई टी पार्क को, सिर्फ 12 एकड़ चंडीगढ़ में, किथे कलाग्राम किथे आई टी पार्क, 12 एकड़ दे के सारे ने। तो चंडीगढ़ जिहड़ा हैगा वो पंजाब दा, हुण सुत्ते ना रह जाइए, हुण इह ना सोचिए कि आम आदमी पार्टी आ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਕੇ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਕਿੱਲਾ ਗੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਠਾਠਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਗੜ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕੌਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੀ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਹੱਲ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਬੇਟ। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल, सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन के, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।